ठीक है, ऑटिज़म एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। जब हमारे घर में बच्चों का मतलब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे के जन्म होते हैं, तो उनकी एक डेवलपमेंट स्टेज होती है, जैसे कि कुछ महीनों में वो आई कांटेक्ट करते हैं माँ के साथ, माँ को पहचानते हैं, कुछ महीनों में वो क्रॉल शुरू करते हैं, कुछ महीने में वो वर्ड्स फंबल करते हैं। तो ये डेवलपमेंट स्टेज होती है एक बच्चे की। ऑटिज़म एक ऐसी डिसेबिलिटी है, और यू कैन से ऑटिज़म एक डेवलपमेंट डिले है, ठीक है। एक बच्चे में डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, मतलब उसकी डेवलपमेंट थोड़ी डिले हो रही है, विच मीन्स कि उसकी एबिलिटी थोड़ी कम है, लोअर एबिलिटी साइड में। दैट इज़ ऑल अबाउट ऑटिज़म। ऑटिज़म सुनने में या जब हम पढ़ते हैं तो वह ऐसा लगता है कि शायद इस बच्चे में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन इतनी खामियां होती नहीं है। ही इज़ ओनली ऑन द लोअर एबिलिटी साइड विद अ लिटिल बिट ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम, सो दैट इज़ ऑटिज़म। पेरेंट इज़ द फर्स्ट पर्सन हु कैन डायग्नोज अ चाइल्ड। वो पहले एक ऐसे इंसान होते हैं जो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं, और जिनको सबसे पहले पता चलता है कि क्या मेरा बच्चा एक नॉर्मल डेवलपमेंट स्टेज पे है या शायद उसमें कोई कमी है। अब फर्स्ट टाइम फादर्स या फर्स्ट टाइम मदर्स जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा टाइम होता है, अगर फैमिली में और कोई बच्चा नहीं है तो, मतलब पहला बच्चा है फैमिली में तो थोड़ा टाइम लगता है समझने में कि क्या बच्चे डिले हो रहे हैं या नहीं। अब कश्मीर एनवायरनमेंट में या आई वुड से कल्चर में एक चीज़ है कि अगर हमें लगता है बच्चा बात नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं कि भाई किसी के अंडे दे दो, ये कर लो, वो कर लो, हालांकि वो चीज़ नहीं होती है। अगर आपको लगता है कहीं पे भी अगर बच्चा 6 मंथ्स में नहीं क्रॉल कर रहा है या नहीं टर्न कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ अ डेवलपमेंट डिले। वो डिले है एक बच्चे की पर्सनालिटी में, क्योंकि वो राइट टाइम पे राइट चीज़ नहीं कर रहा है। तो अगर किसी भी पेरेंट को लग रहा है कि मेरा बच्चा शायद कहीं पे अपनी डेवलपमेंट स्टेज में डिले कर रहा है, कहीं पे 2 साल में जब उसको बात आनी चाहिए, जब उसको अपना नाम रिकग्नाइज करना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट करना चाहिए, वो बच्चा ये चीज़ें नहीं कर रहा है, तो उनको उसी वक्त उस बच्चे को डायग्नोज के लिए ले जाना चाहिए। और डायग्नोज 9 मंथ से ही शुरू हो जाता है। तो जब एक बच्चा 9 मंथ्स का होता है तब पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि भाई मेरा बच्चा एक नॉर्मल डेवलपमेंट स्टेज पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसी टाइम आपको डायग्नोज करना चाहिए। अब डायग्नोज करते हुए बहुत सारे पेरेंट्स डरते हैं कि खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज़ ना निकले जिससे, मतलब हमारा बच्चा शायद नॉर्मल ना हो या हमारा बच्चा आगे जाके पढ़ ना सके। डायग्नोज आप वैसे भी करवा सकते हैं, असेसमेंट आप वैसे भी करा सकते हैं। और ऑटिज़म एक ऐसा डिसऑर्डर है जो क्योरेबल नहीं है, बट इट इज़ द ट्रीटमेंट इज़ वेरी हेल्पफुल, जिसको हम कहते हैं जो ट्रीटमेंट हम देते हैं बच्चों को विद ऑटिज़म वो बहुत हेल्पफुल होता है आगे चल के। ट्रीटमेंट जो है, देखिए पहले तो बच्चे को असेसमेंट होती है। अगर कोई पेरेंट आता है बच्चे को लेके, पहले हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट एक बच्चे का इट टेक्स अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 hours इन अ डे। तो एक बच्चे का एक ही दिन में असेसमेंट हो सकता है, और वो 2 to 3 hours लगते हैं उस बच्चे को पूरी तरह असेस करने में कि क्या ये बच्चा ऑटिज़म है कि नहीं। और ऑटिज़म की कैटेगरीज होती है माइल्ड, एक्सट्रीम एंड वेरी लो। हमें पता चलता है कौन सा बच्चा बहुत लो साइड पे है, कौन सा माइल्ड है, कौन सा सिवियर है, कौन सा एक्सट्रीम है। तो वो हमारा एक्सपर्ट्स का काम है। अब बच्चा जब आता है, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम असेस करते हैं। पहली चीज़ है आई कॉन्टैक्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चा जब 2 साल का होता है, जब उसका नाम हम बुलाते हैं, ही नीड्स टू रिस्पॉन्ड, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। अगर हमें लगता है बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहा है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जिसमें हमें लगता है हाँ भाई इस बच्चे को शायद ऑटिज़म होगा। दूसरी चीज़, अगर हम कुछ बात करते हैं, ही रिपीट्स, मतलब हम पूछते हैं व्हाट्स योर नेम या हेलो या हाय, और वो भी वहाँ से वही रिपीट करता है, दैट इज़ अ सेकेंड सिम्टम। थर्ड सिम्टम ये होता है कि हाँ भाई अगर बिहेवियर इशू है, जैसे कि मतलब 2 साल का बच्चा है, उसको इमोशंस का पता होता है। अगर फॉर इंस्टेंस मैं रो रही हूँ, मेरे बच्चों को पता है कि माई मदर इज़ अपसेट, 2 साल के थे तब भी उनको लगता है, दे कम टू यू, सहम जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर से पता चलता है कि हाँ भाई दे आर वेरी इमोशनल एंड दे नो दैट द मदर और फादर आर स्ट्रेस्ड, ठीक है। ऑटिज़म बच्चे जो होते हैं उनको 2-3 साल तक इमोशंस में फ़र्क नहीं पता चलता है। तो अगर उनके सामने उनके पेरेंट्स रो रहे, हंस रहे, खेल रहे, वो उन पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। चौथी चीज़ है सोशल इंटरेक्शन। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे कर देते हैं, जब आवाज़ें आती हैं, जब एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में बच्चा चला जाता है, वो ऐसे कर जाता है,
ही डजंट वांट टू लिसन, पैनिक हो जाता है, हाइपर हो जाता है, दैट इज ऑल्सो अ फीचर और यू कैन सी अ सिम्पटम. सोशल इंटरेक्शन मीन्स दो साल का जो बच्चा होता है उसको अच्छा लगता है जब नए बच्चे आते हैं, इंटरेक्ट करता है, खेलता है, लड़ता है. वो बच्चे वैसा नहीं करते, वो नहीं बात करना चाहते हैं, वो बिल्कुल ही अलग थलग रहना चाहते हैं. और पांचवी छठी चीज़ ये है कि उनको किसी चीज़ से अटैचमेंट हो जाती है, जैसे कि डब्बे हैं, वो पूरा दिन एक बार डब्बा बनाएंगे, पूरा दिन डब्बा बनाते ही रहेंगे, दे वोंट स्टॉप. अगर आप उनको रोकोगे तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा रोएंगे. पेरेंट्स के लिए ये है कि अगर आप लोगों को कहीं भी लगता है हमारे बच्चों में स्पीच डिले है, हमारे बच्चों में मोटर स्किल्स डिले है, कोई भी डिले है, आप एज सुन एज पॉसिबल किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर जाएं, साइकोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर, नॉट अ मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर, या किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, उनसे बात करें, अवेयरनेस ले कि क्या मेरा बच्चा मतलब क्या हो सकता है, इज ही मे बी इज ही कमिंग अंडर ऑटिज्म और इज ही फाइन और डू आई नीड टू इम्प्रूव हिम. बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई स्पीच डिले चार साल में बोलना शुरू हो जाएगा. नो, यू नीड स्पीच थेरेपी टू गेट हिम यू नो टॉकिंग इन फोर ईयर्स और फाइव ईयर्स. नॉर्मल स्पीच, जो बच्चे की नॉर्मल स्पीच होती है वो अगर डिले है तो यू नीड अ स्पीच थेरेपिस्ट, यू नीड अ थेरेपिस्ट टू गेट दैट ग्रैब. तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को टाइम देना, ठीक है. ऑटिज्म की एक और चीज़ है, आजकल जो मोबाइल्स हैं या टीवी है, हम बच्चे को मोबाइल देते हैं, टीवी देते हैं बचपन से ही. इस 3 months आप देखेंगे, 3-4 months हाथ में मोबाइल है, खाना दे रहे हैं. हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ, हर कोई करता है, हर मदर करती है. इट्स द इजी वे आउट बेसिकली. तो वो चीज़ बंद करनी, क्योंकि उससे बच्चे की डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाती है. जितना हो सके उनको बात कर सके, जितना हो सके टेक हिम और हर आउट. यू नो यू कैन नॉट कीप देम कन्फाइंड इन वन रूम. एक ही कमरे में आप बच्चे को रखेंगे, उसकी तो डेवलपमेंट वैसे भी नहीं होगी. उसको बाहर ले जाएं, इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन, गो फॉर एक्टिविटीज, गो हेयर एंड देयर, जहाँ भी हो सके बातें करें. जहाँ तक मेरी रिसर्च है या जहाँ तक हमारी टीम की रिसर्च है, देर इज नो साइकोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर एज सच फॉर ओनली चिल्ड्रन विद ऑटिज्म और ओनली कन्फाइंड टू चिल्ड्रन. डेवलपमेंट अगर बच्चे में डिले है या कोई भी डेवलपमेंट स्टेज है, उस बच्चे के रिलेटेड कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है. मैं अपना भी कहूँगी, अगर मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे में कोई डिले है, द फर्स्ट डायग्नोस्टिक सेंटर इज़ माई मदर. ये ठीक है कि नहीं, क्या हो रहा है, ऐसे ठीक है, वैसे ठीक है, या अल्कोहल कोई रिश्तेदार को फ़ोन करेंगे भाई ऐसे हो रहा है, पीडियाट्रिशियन को. तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम जा सके और कह सके साइकोलॉजिस्ट को कि हाँ भाई मेरे बच्चे में ये चीज़ मुझे लग रही है, व्हाट डू यू थिंक, प्लीज़ हैव एन असेसमेंट, दैट इज़ द वे आउट. तो ये अवेलेबल नहीं है. हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर कमिंग फॉरवर्ड विद द डायग्नोस्टिक सेंटर इंशाल्लाह वेरी सून, एंड इट विल बी ऑल अवेलेबल टू ऑल द पेरेंट्स, होपफुली दैट विल बी सक्सेसफुल. वहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर होगा कम्प्लीटली फॉर चिल्ड्रन, ओनली चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद ऑटिज्म. देखिए, ऑटिज्म पता चल जाता है जब बच्चा 2 साल का ही होता है, इवन बिफोर दैट 18 मंथ्स का होता है, अब 18 मंथ्स से ही डिटेक्ट हो जाता है. तो जो बच्चे एडल्ट्स हैं जो हु आर लिविंग विद ऑटिज्म, उनको वैसे भी श्रीनगर में कोई ट्रेनिंग, कोई ट्रीटमेंट कुछ भी मिला नहीं है. तो वो बच्चे एक्सट्रीम पे आ गए, वो माइल्ड पे थे, वो बिल्कुल लो पे थे, तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे आ गए. तो उन बच्चों के लिए भी असेसमेंट पहले ज़रूरी है, एडल्ट्स के लिए भी ज़रूरी है. असेसमेंट उन सब बच्चों का होगा वेयर देर इज़ अ डेवलपमेंट स्टेज, एंड वी विल प्रोवाइड इंशाल्लाह ट्रीटमेंट एज वेल. गवर्नमेंट आई थिंक इज डूइंग निल इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एंड व्हेन आई से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसमें बहुत सारे डिसेबिलिटीज आते हैं जो सबसे पहले बच्चों में ही पाए जाते हैं, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, डाउन सिंड्रोम है. उनके लिए कोई भी ऐसा स्कूल या ऐसे एजुकेशन सेंटर ट्रेनिंग नहीं है इन बच्चों के लिए, जहाँ पे एटलीस्ट उनका फ्यूचर बन सके. देखिए, ऐसे बच्चे जो हैं वो 10th एंड 12th भी दे सकते हैं NCERT CBSE में. ये अब मतलब इट्स द गाइडलाइंस कि अगर कोई बच्चा है वो स्लो लर्नर और वो सफरिंग विद एनी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो मैट्रिक और 12th भी दे सकते हैं, बट इन अदर सब्जेक्ट्स इन हिज एबिलिटी. अगर वो आर्ट करते तो आर्ट में एग्जाम देंगे, ठीक है. अगर हमारा साइंस पेपर है वो आर्ट पेपर देंगे इन अ लोअर एबिलिटी, बट दे विल हैव द सेम क्वालिफिकेशन इन अदर फील्ड, यू नो, इन अदर सब्जेक्ट्स, बट इट विल बी द सेम क्वालिफिकेशन. वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं की हैं, ठीक है, बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को. वो प्राइवेट स्कूल्स में अगर जाते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, इंटरव्यू अगर होता है, इवन स्कूल्स डिटेक्ट नहीं कर पाते कि शायद हम इस बच्चे को वो एजुकेशन नहीं दे सकते जो उस बच्चे को ज़रूरत. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आई थिंक मेनली हमारी अपनी फैमिलीज में भी हैं चिल्ड्रन विद ऑटिज्म. मेरी अपनी फैमिली मेम्बर है
जो यहाँ पे है जिनके लिए भी कुछ अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे ही मेरे दोस्त हैं या मेरे यू नो कोलीग्स हैं जिनकी फैमिली में हैं बच्चे वो आर सफरिंग विद ऑटिज्म, पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा वरिड हैं अपने बच्चों के बारे में। तो उन सब का दर्द देख के, अपना पेन देख के, वी रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर दीज चिल्ड्रेन, इट्स ओनली कन्फाइंड फॉर देयर फ्यूचर। तो वी वॉन्ट टू मेक देम हैप्पी, वी वॉन्ट टू मेक देम यू नो कि दे आर वन ऑफ अस। हम ऐसा नहीं करना चाहते कि भाई हाँ ये डिसेबल है, दे आर नॉट डिसेबल, दे आर डिफरेंटली एबल्ड, यू नो उनकी डिफरेंट एबिलिटी है, हमारी डिफरेंट एबिलिटी है। किसी की अगर आंखें नहीं होती, विजन नहीं होता है, लेकिन कान तो होते हैं ना, सो वी शुड नॉट लुक एट द डिसेबिलिटी, वी शुड लुक व्हाट इज द एबिलिटी वी हैव इन द चाइल्ड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वही है कि हमें एबिलिटी निकालनी है हर बच्चे की, और मेरा यही ख्वाब है कि हम हर बच्चे को एटलीस्ट इंडिपेंडेंट बना सके, कि कल को अगर उनके माँ बाप ना रहे या फैमिली ना रहे, कम से कम वो अपने आप पे डिपेंडेंट हो, खुद मुख्तियार हो, खुद अपनी जिंदगी जी सके और सोसाइटी में सर उठा के रह सके। हमारा एम यही है कि उन बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, एजुकेशन दें और एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे दे यू नो दे लिव अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। दैट्स ओनली आई एम।